अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जहां एक और कई अहम वादे चंडीगढ़ की जनता के साथ किए हैं, वहीं भाजपा को भी जमकर लताड़ा है। सबसे अहम वादा पानी की दरों को लेकर है। पार्टी का कहना है कि निगम में बहुमत हासिल करने के बाद इसका पहला काम पानी की दरों को दोबारा पुराने स्तर पर लौटाने का होगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो कोई नया कर नहीं लगाएगी, बल्कि मौजूदा करों में कटौती करने की तजवीज जरूर की जाएगी। कचरा प्रबंधन का मामला हो या डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का, कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। पार्टी अध्यक्ष सुभाष चावला का कहना था कि किस प्रकार कुछ बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए पुरानी कलेक्शन व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की जनता इसके लिए भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी। कचरा प्रबंधन संयंत्र को लेकर भी कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि कचरा प्रबंधन को लेकर पार्टी के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। चावला ने इस बात से भी इनकार किया कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यह संयंत्र फ्लॉप साबित हुआ है। घोषणा पत्र रिलीज करते वक्त पूर्व सांसद पवन बंसल भी मौजूद रहे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुनता हूं और जो रेडू माजरा डंपिंग ग्राउंड है उसके लिए वो दोष मुझे और पवन बंसल जी को देते हैं कि इनकी वजह से आज चंडीगढ़ के जो कूड़े के पहाड़ बने हैं हम दोनों दोषी। मैंने आज भी आपके द्वारा उनको ये चैलेंज करता हूँ कि 1-to-1 मेरे साथ बैठ के डिबेट कर ले, कोई ऐसा बिंदु दिखा दे उस वक्त जो हमने ये प्लांट की स्थापना की थी, कोई ऐसा कोई ऐसी क्लॉज दिखा दे जिस क्लॉज में हमने उस वक्त की कंपनी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया। बहुत सोच समझ के वो MOU तैयार किया था। पवन बंसल जी का नाम सिर्फ वो इसलिए ले लेते हैं कि पवन बंसल जी उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट थे और एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं हाउस के। ये उस दिन जब डिबेट होती थी तो हाउस में होते थे सिर्फ, इसके अलावा इनका कोई और संयंत्र में कोई रोल नहीं था। रोल था तो काउंसलर का था, जो मेयर अलग अलग समय रहे उनका था। मैं खुद जब ये प्लांट लगना था इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी सिर्फ तय करनी थी, काउंसलर का काम था टेक्नोलॉजी तय करना। उस वक्त के मेयर के साथ मैं खुद जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया गया था, वहाँ अलग अलग जगह हमने प्लांट देखे थे। प्लांट में टेक्नोलॉजी हमने ये थी कि गार्बेज से फ्लॉप बनाना है और इसको लिफ्ट करके हमने चंडीगढ़ से बाहर भेजना। और जो कंपनी थी JP ग्रुप, उसने अपनी DPR में ये कहा था कि हम 500 टन कूड़ा रोज का प्रोसेस करेंगे और इससे 450 टन जो कूड़ा है उसको फ्यूल की शक्ल में ले जाकर हम डालडा घाट सीमेंट प्लांट में जाके इसको जाके कंज्यूम करेंगे। ये था जो उनका DPR है। और जब ये प्लांट लग के तैयार हो गया और फ्यूल बन गया तो डालडा घाट में जाके ये जब वहाँ फ्यूल जला तो वहाँ उस प्लांट के ऊपर NGT ने बैन कर दिया कि ये फ्यूल हिमाचल में नहीं जल सकता। ये फेलियर था कंपनी का। संग्रहण से पैसा लोगों से लिया जाएगा, वो सारा पैसा जो कॉर्पोरेट करप्टर हैं उनको हम देंगे। जो गाड़ियों का एक स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ गाड़ियां आई हैं, ये दावा तो इंदौर का करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इंदौर में खुद मेयर के नाते भी 2 बार गया, मैंने देखा। आज उन पुरानी रेड़ियों में और इन गाड़ियों में कोई फर्क नहीं। आपने देखा होगा कि किस तरह बाहर में वो टेंट वगैरह जो टाट लगा के उसी तरह अगर जा रही है तो पूरे शहर में कूड़ा गिरता जा रहा है, कुछ भी है तो एक तरह से बिल्कुल। और उसके उलट एक चीज़ और जो मैं बार बार आपसे शेयर करता रहूं, जब ये गाड़ियां आई थी इनके ऊपर ड्राइवर रखने थे और इन ड्राइवरों की भर्ती में 1.5 लाख रुपया मांगा गया कि जब तक आप 1.5 लाख नहीं दोगे हम आपको भर्ती नहीं करेंगे। और ये आरोप हमने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अपने ही फॉर्मर मेयर ने, काउंसलर ने, अपने ही प्रेजेंट जो उस वक्त के मेयर थे उनके ऊपर लगाए थे हाउस के अंदर ऑन रिकॉर्ड। तो ये जो सारा फेलियर हुआ है इसके पीछे एक तो मिसगवर्नेंस है, पॉलिसी का ना होना, और दूसरा इसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा हाथ है। ये फैसला नहीं कर पाए थे कि ड्राइवर कैसे रखने कैसे नहीं। तो हम वायदा करते हैं कि आते ही हम सबसे पहले ये पॉलिसी बनाएंगे और जो ये ड्राइवरों में जो भर्ती के एलिगेशन लगे इसकी जांच करवाएंगे और समुचित सजा देने का
कोशिश करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।